हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। पहले भी वीडियो बनाया था लेकिन लोगों की डिमांड थी कि भाई ये वीडियो सही नहीं लगा और दूसरा बनाइए, सडन पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या दिया जा सकता है। तो इस वीडियो में अपन पूरा ट्रीटमेंट जानने की पूरी कोशिश करेंगे, तो देखते रहिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञान यार द मेडिकल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल ज्ञान यार शॉर्ट्स और ज्ञान यार लाइफ, इनको भी जरूर से एक बार चेक करें, ठीक। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पैरालिसिस की। तो पैरालिसिस मतलब ये होता है भाई हमारी नर्व्स की वीकनेस या डैमेज। हमारा शरीर में कई तरह की नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन से लेकर मसल तक जाती हैं, ठीक है ना। नर्व्स का काम ये होता है कि सिग्नल को लेके लाना ले जाना। आपके हाथ की मसल्स पे भी कुछ नर्व्स गई हैं जो कि ब्रेन तक गई हैं और ब्रेन से अपना काम कराती हैं। मतलब कि हाथ मूव कर रहा है तो ब्रेन के सिग्नल्स के द्वारा, या आपको हाथ में किसी ने टच किया गर्म लगा तो वो कैसे पता चलेगा, सेंस के द्वारा ब्रेन तक गई हैं नर्व्स। तो जाहिर सी बात है ये नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के आप देख सकते हैं फोटो में। और इन्हीं नर्व्स के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कारण होते हैं, उनकी वजह से डैमेज हो जाता है या वीकनेस आ जाती है या टूट जाती हैं, इंजरी हो जाती है, तो ये काम करना बंद कर देती हैं, फिर वो अंग काम नहीं करता। तो इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं लकवा या पैरालिसिस। अब कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एज है सबसे बड़ा फैक्टर, तो एज होता है कि आदमी की बढ़ती हुई उम्र के कारण उसकी खिलाई पिलाई अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी है, पोषण तत्व नहीं मिल पा रहे, तो नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। तो एक कारण एज होता है। दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें क्या होता है, ब्रेन का ही डेवलपमेंट नहीं हो पाया। सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर मैं वीडियो अलग से बना चुका हूँ, तो आप वो देख लेना डिटेल के लिए। इंजरी हो सकती है, आदमी अच्छा वाला है, ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन उसको एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, ट्रामा कंडीशन में आ गया है आदमी, ठीक है, तो नर्व्स जो होती हैं वो टूट जाती हैं, तो उस कारण से भी कोई एक हिस्सा काम नहीं करता आदमी का, ठीक। ये है। और पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, कई लोगों में, हालांकि पोलियो अब कॉमन है नहीं, लेकिन पोलियो होने के बाद उनको पैरालिसिस भी हो जाता था। तो ये सारे कारण होते हैं। अब लक्षणों को देख लेते हैं फटाफट की, लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो, कप कप आना, मुँह को लार टपकते रहना, मुँह बोलने में आदमी को बहुत तकलीफ होना, ठीक, ये सब होता ही है। एक तरफ का या दोनों तरफ के हाथ पैर सुन्न हो जाना, काम ही नहीं कर पाना, हाथ पैर मूव ना कर पाना, ठीक है ना। नंबनेस रहना, कोई महसूस नहीं होती कोई चीज़। ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, कई केसेस में देखा गया कि जिस व्यक्ति को पैरालिसिस होता है उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप अलग से होते हैं। डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, देखो अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली आप व्यक्ति का जिस जगह पे लकवा का आपको लग रहा है कि भाई लकवा है, तो उस जगह को आप उठाकर देख सकते हैं, आदमी का हाथ गिर जाएगा बार बार, या आदमी अगर चलेगा अभी तो घसट घसट कर चलेगा, वो प्रॉपर चल भी नहीं पाएगा। उसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जाँचें होती हैं, जैसे कि MRI कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा क्यों की जाती है, ठीक है। एक्सरे किया जा सकता है, इनमें क्या होता है नर्व्स तो दिखी जाती हैं कि नर्व्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नर्व्स कोई डैमेज तो नहीं है या टूटी हुई तो नहीं है या कोई वीकनेस तो नहीं है, वो दिखी जाती है और भी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि कई लोगों को ऐसे बढ़ती हुई उम्र के कारण जब पैरालिसिस होता है तो हम क्या देते हैं, बेसिकली वहाँ पे मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन का इंजेक्शन चलाना पड़ता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है ना। साइनोकोबालामिन, या क्योंकि विटामिन B12 भी है जो कि नर्व्स को इम्प्रूव कर सकता है, नर्व को डेवलप कर सकता है, तो साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन एक दिन छोड़ के 4 से 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं मरीज को महीने भर में या 15 दिन के अंदर अंदर, तो आदमी को बहुत जल्दी आराम मिलता है। साथ में कुछ मल्टीविटामिन्स चलाई जाती हैं, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक से ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर बात किया कि भाई किसी किसी को अचानक सडनली पैरालिसिस हो जाता है, अच्छी भली उम्र है या बुजुर्ग आदमी है, सडनली उसके एक हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना, सडनली पैरालिसिस हो जाता है। तो देखो, कई बार लोगों को पता होता है कि भाई ये पैरालिसिस का अटैक है या पैरालिसिस है, इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ हमेशा याद रखो कि आप जितने जल्दी पैरालिसिस के मरीज को हॉस्पिटल लेके पहुँचेंगे उतना उसके लिए अच्छा होता है, ठीक। तो कभी भी देरी नहीं करना, झाड़ फूंक में नहीं पड़ना, किसी भी जड़ी बूटी के माध्यम से सही होने की कोशिश नहीं करना, आपको तुरंत हॉस्पिटल तो जाना ही है। अब आती बात कि ये क्यों हो, जितने भी जो भी अचानक से पैरालिसिस होते हैं उनके कई सारे कारण होते हैं, जिनमें सबसे मोस्ट कॉमन है दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक। अब स्ट्रोक में 2 कंडीशन बनती हैं, इस्केमिक क्लॉट मतलब कि नर्व बंद हो जाती है,
ठीक है, नर्व ब्लॉक हो जाती है, क्लॉट हो जाती है, टूटी नहीं है, डैमेज नहीं हुई है और ना ही कोई वीकनेस है, बस वो डैमेज हो क्लॉट हो जाती है। दूसरा है यहाँ दोस्तों हेमरेजिक ब्लड वेसल्स का होना, मतलब कि ब्लड वेसल्स ही फट जाती हैं ब्रेन के अंदर। तो ये है कि दो कारण होते हैं, इन्हीं दो कारण को चेक करने के लिए पेशेंट को एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन देखा जाता है कि भाई ये स्टमक है या हेमरेजिक है, तो इसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट चलता है। कई बार अपन को जो है पेशेंट की आंखों की पुतली को भी चेक करना पड़ता है, उससे भी कई हद तक पता चल ही जाता है कि भाई व्यक्ति को कोई ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि एक तरफ की पुतली बड़ी एक तरफ की छोटी दिखने लगती है। तो ये एक प्रकार का डायग्नोसिस का ही प्रोसीजर है, तो इससे काफ़ी हद तक नॉलेज मिल जाती है। फिर जो है एमआरआई सीटी स्कैन में तो आपको क्लियर दिख ही जाता है कि भाई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। तो जब भी मरीज को लेके पहुंचेंगे तो फटाफट से एमआरआई होना चाहिए, फटाफट से सीटी स्कैन होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही कुछ प्रोसीजर स्टार्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी मरीज के ऊपर अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वहाँ पे थ्रोम्बोलाइसिस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। कई तरह के थ्रोम्बोलाइसिस ड्रग्स होते हैं जैसे कि हेपरिन वगैरह, ये क्या होते हैं क्लॉटिंग को तोड़ते हैं, क्लॉटिंग को पिघला देते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं मोटे तौर पर, तो क्लॉटिंग को ख़त्म करते हैं, हेमरेज को ख़त्म करते हैं। तो LMW, बहुत सारे ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। तो इन इंजेक्शन के द्वारा थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है, ब्लड का एक तोड़ा जाता है जहाँ पे क्लॉटिंग है। तो ये करने पर 4-5 दिन में ब्लड का अंदर की जो भी स्टॉक की समस्या है वो ठीक हो जाती है, ठीक। एक और बार सीटी स्कैन करके देखी जाती है, वो ठीक हो जाती है, आदमी को तभी आराम मिलने लगता है और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट चलाया जाता है। और साथ में कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन भी देना पड़ता है या वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है कई लोगों को, वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी, उसकी सिचुएशन के ऊपर। तो ये चीज़ है, यहाँ पे सिटी स्टार इंजेक्शन लगता है कई बार, तो बहुत सारे थ्रोम्बोलाइसिस ड्रग्स दिए जाएंगे ताकि ब्रेन के अंदर की जो क्लॉटिंग है वो ठीक हो जाए। जब थोड़ा बहुत पेशेंट रिकवरी करने लगता है, थोड़ा होश में आने लगता है, अच्छा बिहेवियर करने लगता है, तो फिर बाद में उसका फर्दर ट्रीटमेंट चलाया जाता है, ठीक। तो कुछ मल्टी विटामिन्स या कुछ ऐसी दवाइयाँ चलाई जाती हैं। यहाँ पर जब भी मरीज का ट्रीटमेंट चलेगा तो डॉक्टर का फ़र्ज बनता है कि सुबह शाम उसकी हार्ट रेट, उसकी ब्लड प्रेशर, उसका ऑक्सीजन लेवल, ये सब चेक करें। मॉनिटर तो रखा ही जाता है मरीज के पास, तो ताकि हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जा सके, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति की केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन के अंदर स्टेमिक क्लॉट, ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंडीशंस होती हैं, इसमें आदमी की जान भी चली जाती है। तो ये है, जितना जल्दी हो सके अगर पेशेंट को अचानक से पैरालिसिस हुआ है तो उसकी जांच कराना ज़रूरी है। अगर पैरालिसिस हुआ है और जांच कराई, सीटी स्कैन वगैरह कुछ, ये हेमरेज या क्लॉट वगैरह कुछ नहीं आया है, तो नॉर्मली आप व्यक्ति को साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो, 1-2 हफ्ते में उसको आराम मिलने लगता है, वो सही भी हो जाता है। किसी भी तरह की झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर, ठीक। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे लकवा के बारे में, किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना फंसें, कोई भी झाड़ा फूँक की कुछ काम नहीं आती है, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ठीक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगता है हमारा चैनल देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर्स द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।